शुक्र के बिना
कर्बला
Ya Allah, Ya Allah.
कोई तब
आपके लिए करने वाला है। आज आलम इंसानियत और बशरियत, दुनिया के सारे आजाद इंसान, दुनिया के मुस्तज़फ़ और मज़लूम, उम्मत इस्लामी का मिल्लत लुबनान, मिल्लत फिलिस्तीन, मिल्लत यमन, मिल्लत ईरान, मिल्लत इराक, मिल्लत शाम, जिथे मुकावमत के सारी क़ियादत और उम्मत बिलखुसूस गजा के यतीम बच्चे, गजा के बेवा, गजा के खानमान बर्बाद में मुस्तज़फ़ और मज़लूम लोग, इस मर्द मुजाहिद, इस मुजाहिद कबीर, अज़्म व इस्तिक़ामत, शुजात व शहामत का फ़िक्र दुनिया के मुस्तज़फ़ीन के दिलों का धड़कन, इंसानियत और बशरियत और आज़ादगान के लिए एक रोल मॉडल सैयद हसन नसरुल्लाह के इस अज़ीम शहादत पे खून के आंसू बहाए, और आज इसी गम में, इसी मुसीबत में, इसी आज़ादारी में मिल्लत ग़य्यूर करगिल के मर्द, जवान, बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चे खून के आंसू बहाते हुए आज इस आज़ादारी में मातम कर रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी 63 साल जिंदगी और 63 साल तारीख में एक अजीब इत्तेफाक, पैगंबर गिरामी की जिंदगी 63 साल, मौला मुवाहिदीन अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी 63 साल, शहीद कासिम सुलेमानी 63 साल, बकरी दादा 63 साल, जाहिदी 63 साल, और आज हम और आप सबको खून के आंसू रोता हुआ छोड़ के जाने वाला सैयद हसन नसरुल्लाह की जिंदगी 63 साल, शहीद खिदमत से आयतुल्लाह शहीद रईसी की उम्र भी 63 साल, इस अंगूठी के लिए अजीब इत्तेफाक है, एक अंगूठी इराक के सरजमीन पे गिरी, एक अंगूठी आज़रबैजान के बॉर्डर पे गिरी, आग में झुलस गई, और एक अंगूठी कल लुबनान, जुनूबी लुबनान के साहिर में झुलस गई। अज़ीज़ाने गिरामी, इस अजीम मुसीबत पे इमाम साहब अल-असर समान सारे मजलूमीन का उम्मीद और सहारा बक़ियतुल्लाह लहुम की खिदमत है, इमाम मुस्लिमीन, इमाम खामनेई जिनके बारे में शहीद हसन नसरुल्लाह उनसे मुखातब होकर कहते हैं अय्युह सय्यदुल क़ाइमीन, इमाम मुस्लिमीन, हमारे पास एक ही जान है, एक ही जिंदगी है, मेरे इस जिस्म को टुकड़े टुकड़े किए जाए और इस जिस्म के टुकड़ों को आग में जला दिया जाए, राख बनाया जाए, उस राख को फिर से दोबारा कर जिंदा किया जाए, हजार बार इसी तरीके से हमें मौत आए तो हमारी ये जिंदगी इमाम मुस्लिमीन, इमाम खानाई आप पे हम इंतजार कर आज वो सैयद अपने कायद सरवर सालार को अकेला छोड़ते हुए खुदा रूहुल्लाह
हम सभी अपने साथी जमात मुनिया शहीद कासिम सुलेमानी अबू महदी अल मुहंदिस और अपने अजीज बेटे हादी नसरुल्लाह के साथ जा रहे थे। अगस्त के महीने में 1960 में पैदा हुए, उसके बाद से लेकर नौजवानी और जवानी के कदम दहलीज पे कदम रखते हुए जब हुसैनिये कुम में पहुंचे इमाम उम्मत मुझ शिकना से खुमैनी रूहुल्लाह अल-मुल्सिम अल-खुमैनी ने उन्हें अपना नुमाइंदा बना के 30 साल की उम्र में लुबनान भेज दिया। 22 साल से हिजबुल्लाह की मेंबरशिप इख्तियार की, 1982 में हिजबुल्लाह की बुनियाद उस अजीम मर्द मुजाहिद के हाथों जिसे दुनिया सैयद अब्बास मूसवी के नाम से जानती है। सैयद अब्बास मूसवी और उनके साथियों ने जुनूबी लुबनान की सरजमीन को और लुबनान की सरजमीन को इसराइल के नापाक वजूद से खत्म करने के लिए एक जंग लड़ी और उस जंग को शहीद सैयद अब्बास मूसवी और उनके खानदान के शहादत के बाद 1992 के बाद इस जंग की आलमबरदारी करते हुए शहीद मुकाबलत हुर्रियत और आजादी के इस आलमबरदार ने 2000 में इस जंग को पाए तकमील तक पहुंचा के इसराइल को तारीख की वो शिकस्त दी कि जनूबी लुबनान से बाग निकलने पे मजबूर किया। सैयद हसन नसरुल्लाह ने न सिर्फ हिजबुल्लाह लुबनान को सैयद अब्बास मूसवी की शहादत के बाद जब ये इस्तिकबार और इस्तेमाली ताकतें सोच रहे थे कि अब हिजबुल्लाह का वजूद इस सफाई हस्ती से खत्म होगा, हमने इनकी क्यादत खत्म कर दी, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस क्यादत इस सियादत और इस हिजबुल्लाह को उस मंजिल पर पहुंचाया आज सारी दुनिया के मजलूम और मुस्तज़ाब के लिए उम्मत इस्लामिया के लिए एक रोल मॉडल बनी हुई है और हर दुनिया के आजाद इंसान सैयद हसन नसरुल्लाह पे फख्र करते हैं और इसे अपना ही जिस्म जान का हिस्सा समझते हैं। यही सैयद हसन नसरुल्लाह है जिन्होंने फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी क़यादत को दामे दिलमे सुखमे हर तरह से मुसल्लह करके उस मंजिल पे ला खड़ा किया कि आज हमास और जिहाद इस्लामी एक सीसा तिलाई हुई दीवार के मानंद एक साल से इसराइल अमरीका यूरोप के बंदमोटे पे अपनी पूरी फौजी ताकत और कुदरत के जरिए गज़ा के चप्पा चप्पे पे आग और खून बरसा रहा है, लेकिन ये हमास और जिहाद इस्लामी के जियाले ये मर्द शुजात शहामत इस तरीके से खड़े हैं क्या इसराइल और उनके जितने भी सरकार हैं इनके हाथों मुजाहिदों के कत्ल करने के सिवा चोरी छुपे बम लगाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये सिर्फ ड्रोन और बम के जरिए ये दिमाग के जरिए इंसानों को चुन चुन के मारने में तुले हुए हैं क्योंकि हमास जिहाद इस्लामी और हिजबुल्लाह हश्द शाबी और अंसारुल्लाह ने उन्हें ऐसी शिकस्त से दो चार कर दी कि ये पागल बने हुए हैं, ये पिछड़े हुए साल बने हुए हैं, अब ये सारी इंसानियत और बशरियत के कत्लेआम पे तुले हुए हैं।
और मजलूम लोगों के दिलों में ऐसी आस, ऐसी उम्मीद, ऐसी शुजाहत और शहामत की फूंक फूंक दी कि आज ये इस्तिकबार और इस्तेमारी सामाजिक ताकतें अपनी सारी नाव लश्कर के बावजूद सिर्फ इंसानों के कत्लेआम पे तुले हुए हैं। किसी भी महाज में 2000 की जंग हो, 2000 की 33 दिन रोजा जंग हो, इसराइल नापाक इसराइल की तारीख में इस 33 रोजा जंग में हिजबुल्लाह ने ऐसी शिकस्त से दोचार कर दी कि जब से 1948 के बाद इस नापाक वजूद को कभी ऐसी शिकस्त से दो चार नहीं होना पड़ा। और इसी 33 रोजा 2006 की जंग में इसराइली वजीर दिफा और इनके पूरी साथियों को इस्तीफा देनी पड़ी और हाथ उठा के तस्लीम करना पड़ा कि हम हिजबुल्लाह के मुकाबले में शिकस्त खा चुके हैं। और आज 2023 के लिए इस अक्सा की जंग में तकरीबन अब साल होने जा रहे हैं, आज 30 सितंबर, 7 दिन के बाद पूरी साल होने जा रही है। 8 अक्टूबर के बाद अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े फौजी, चौथे बड़े फौजी ताकत समझने वाली इसराइल और अमरीका के पूरे असलाहे को लेके गज़ा पे पानी से, समंदर से, हवा से, जमीन से पूरी लाव लश्कर के साथ गज़ा को आग और खून में लपेट रहा है। लेकिन इसके बावजूद न गज़ा से हमास और जिहाद इस्लामी को खत्म कर सका, न हमास और जिहाद इस्लामी के قیادت کو ختم کر سکا، نہ غزہ کے مظلوم مستضعف ناچار مسلمانوں کے حوصلے اور ہمت اور شجاعت کو کچل سکا، اور نہیں اپنے اسیروں کو چھڑا سکا۔ کچھ بھی نہیں چھوڑا، گھر نہیں چھوڑے، ہاسپٹل نہیں چھوڑا، مسجد نہیں چھوڑا، چرچ نہیں چھوڑا، سکول نہیں چھوڑے، ریفیوجی کیمپس نہیں چھوڑا، جنوب تسلیم شمار شمار سے جنوب دن دن آتا پڑا، آگ اور خون برسایا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ یہ سارے اس عظیم مرد مجاہد کی بدولت، سید حسن نصر اللہ کی بدولت ہے۔ جب 2011 سے شام میں شامی حکومت اور اہل بیت کے حرم کو داعش کے ناپاک ہاتھوں سے عراق سے لے کر شام اور اس کے بعد ایران سے جتنے بھی حرم اہل بیت ہیں ان سب کو ختم کرنے کا سازش رچا گیا۔ اسلام ناب محمدی کے ماننے والوں کو قتل عام کرنے کی سازش رچی گئی، جبھے مقاومت کو دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے ذریعے ختم کرنے کی ناپاک سازش رچی گئی۔ شہید کا
قاسم سليماني أبو مهدي المهندس سيد حسن نصر الله في قيادتنا. نصرف أبني مقاسم به كامياب هو أهل بيت أطار كي حرم تينا سيبانچ نہیں پوچھی نہ شام میں کچھ کر سکے نہ عراق میں کچھ کر سکا. آیت اللہ سیستانی کی تازیتی پیغام میں آپ دے چکے ہیں حرم اہل بیت کو اگر کہیں سے حفاظت اگر کہیں سے پناہ ملی تو آیت اللہ اور سید حسن نصر اللہ ہے. داعش کے ناپاک وجود سے شہید قاسم سلیمانی سید حسن نصر اللہ ابو مہدی المہندس کی قیادت میں عراق شام لبنان اس پورے خطے سے ناپاک وجود کو ختم کر کے حرم اہل بیت آج سب سے زیادہ دنیا کے اس خطے میں پرامن ترین مقام بنا کے اس منزل پر پہنچا جائے. اور غزہ کی اس جنگ میں جب سارے عالم اسلام کی 56 مملکت کے حکمران خواب خرگوش میں مبتلا سوئے ہوئے ہیں امریکہ اور صہیونیوں کے ساتھ سازش کر رہے ہیں تقریباً شکست تسلیم کر چکے ہیں. ایسے میں یہ سید مقاومت جہاد استقامت عزم و ارادے کا پیکر شجاعت شامت کا پیکر سید حسن نصر اللہ ہم ماسر جہاد اسلامی کی قیادت شہید اسماعیل حنیہ زیاد بخار کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے حماس کے مجاہدوں اے جہاد اسلامی کے مجاہدوں اے فلسطین کے مظلوموں اس جنگ میں ہم آپ کے برابر شریک ہیں. ہم جتنا آپ قربانی دے رہے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کے ہم قربانی دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. خود صاحب کیا تمہارا صاحب آج یقیناً عالم انسانیت اور بشریت کے لیے جبہ مقاومت کے لیے ایک عظیم مصیبت کا دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مبارک بھی ہے. مبارک اس سنس میں ہے کہ آج جبہ مقاومت کے ایک کے بعد ایک سردار ایک کے بعد ایک قیادت شہادت کے اس منزل پر فائز ہو رہے ہیں جس منزل پہ پہنچنے کے لیے مولا الموحدین امیر المومنین محراب مسجد میں کہتے ہیں فست و رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کا بیٹا رب کعبہ کی قسم آج علی کا بیٹا زاہی میں کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم اسماعیل علی کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم امارات مغنیہ کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم قاسم سلیمانی کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم ابو مہدی المہندس کامیاب ہوا رب کعبہ کی قسم فاش شکر کامیاب ہوا ابراہیم عقیل کامیاب ہوا. اسی لیے ہم ان سارے شہداء کو تفریح پیش کرتے ہیں لیکن عزیز صاحب اگرچہ سید حسن نصر اللہ ہمارے درمیان نہیں اگرچہ قاسم سلیمانی ہمارے درمیان نہیں اگرچہ ابو مہدی نہیں ہے عماد مغنیہ نہیں ہے فواد شکر نہیں ہے ابراہیم عقیل نہیں ہے لیکن مکتب خمینی ہے مکتب قاسم سلیمانی ہے مکتب سید حسن نصر اللہ زندہ ہے. اسی لیے آج دنیا میں ایک ہی نعرہ گونجتا ہے حزب اللہ زندہ حزب اللہ زندہ اور حزب اللہ ہمیشہ زندہ رہے.
इंशाल्लाह हिजबुल्लाह की आने वाली कियादत जिस तरीके से सैयद अब्बास मूसवी की शहादत के बाद दुनिया सोच रही थी हिजबुल्लाह कमजोर होगा, लेकिन देखा सैयद हसन नसरुल्लाह की कियादत में हिजबुल्लाह सारे दुनिया के मुस्तज़ाफ और मजलूमों के लिए एक उम्मीद और आसरा बना, इतनी ताकत हासिल की कि दुनिया के इस्तेमाल और इस्तेमाल को खुलेआम चैलेंज कर दिया, और आज भी एहसान इंशाअल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह के जानशीन इस मकतब को न सिर्फ जिंदा रखेंगे, इमाम अल मुस्लिमीन इमाम खान अपनी तसलियती ताजियती और तहनियती पैगाम में कहा है हिजबुल्लाह न सिर्फ जिंदा है, ये जंग जो इस्तिकबार के खिलाफ है, जो इस्तेमार के खिलाफ है, सिहून के खिलाफ है, गासिब इसराइल के खिलाफ है, इस जंग में कामयाबी यकीनी है, और ये कामयाबी हिजबुल्लाह के कयादत में सरजमीन फिलिस्तीन को गासिब इसराइल के नापाक वजूद से पाक करके ही मिलेगी, मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस को आजाद करके ही मिलेगी। खुद ही लिखे अपने हाथों से लिखे जानते थे मुझे जानना कह गए हम उस मकतब के ले पाले, हमारा ताल्लुक उस मकतब से है जहां शहादत जीनत है, जहां शहादत फखर है, हमारे पैगंबर शहीद हुए, हमारे इमाम शहीद हुए, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सारी दुनिया में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान समेत ये सारी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया सिहोनियों के हाले का है, ये हम दुनिया के मुसलमान मुस्तज़ब मज़लूम और आजाद इंसानों के दिलों में यह सदाओं में भी पैदा करना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से ये दोष देना चाहते हैं कि हमने कासिम सुलेमानी को शहीद किया, हमने अबू महदी को शहीद किया, फवाद शुक्र को शहीद किया, साहिदी को शहीद किया, इब्राहिम अमीर को शहीद किया, इस्माइल हानिया को शहीद किया, शेख अहमद यासीन को शहीद किया, सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया, अब कौन बचा रहा है? सिहोनियों और उनके आले कारों को हम बताना चाहते हैं वमन नसर इल्ला मिन इंदिल्लाह, नसर और नसरत खुदा से ही मिलेगी, इंतंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम, खुदा को मदद करोगे खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और जिस काम की खुदा मददगार हो सारी इस्तेमार इस्तिकबार सिहोनी ताकत इकट्ठे हो जाए कर सकते, और यही कुछ अंसार अल्लाह वाले दिखा रहे हैं, हमास दिखा रहे हैं, जिहाद इस्लामी दिखा रहा है, हश्द शाबी दिखा रहा है, ये निहत्ते थे, ये खाली हाथ थे, ये भूखे पेट थे, तन पे कपड़ा नहीं था, लेकिन सारी उम्मीदें उम्मीदें सारी सहारा अल्लाह करते थे, इसलिए आप भी मायूस ना हो, सोच
सोशल मीडिया के जरिए आपके जहनों में भी डाला जाता है। अब तो क्या करें, एक के बाद एक खत्म हो रहा है। हमास की क़यादत गई, हिज़्बुल्लाह की क़यादत गई, कल को हो सकता है अंसारुल्लाह की क़यादत जाएगी, हज़्ब शाम की क़यादत जाएगी, कल ईरान की क़यादत जा सकती। हम मकतब के लिए पाले, हम मकतब के लिए पाले, और इस मकतब का ज़ामिन और इस मकतब का वली अल्लाह ताला है। सारी दुनिया मर जाए, अल्लाह जिंदा है और अपनी मकतब को जिंदा रखे, ये बात इलाही है। इसलिए मायूस नहीं होना, सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जाते हैं इनसे मायूस नहीं होना। एक के बाद एक बेहतरीन क़यादत आपके लिए तैयार करके जा चुके हैं। इमाम उम्मत जब इस दुनिया से रहलत कर गए तो यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी अफवाह फैला दी। क्या ईरानी क़यादत को कौन संभाले, ईरानी कौम मिल्लत को कौन संभाले, इंकलाब इस्लामी को कौन संभाले, वहदत इस्लामी के इस दावत को कौन संभाले, जिबाए मुकाबला को कौन संभाले। लेकिन दुनिया ने देखा खुदा बंदार खुमैनी के जानशीन उस उमर मुजाहिद को बनाया जिसे आज दुनिया खानाई के नाम से जाना। और आज इस भर के मुजाहिद ने सारी दुनिया के मस्तज़ाफ और मजलूमों को उम्मत इस्लामिया को जिस मकतब से हो, जिस मसलक से हो, जिस फरका से हो, सभी को एक ही परचम तले ले आया और वो परचम है वहदत इस्लामी का। इसीलिए आप देखते हैं फिलिस्तीन अगर चिस्सन नहीं है, गज़ा अगर चिस्सन नहीं है, जंग आली और औलाद आली में जाए, मकतब आली के मानने वाले लोग हैं, आली के चाहने वाले लोग हैं। इसलिए कभी मायूस नहीं होना। हयात मिन्नतुल्लाह।